मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को खटीमा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सरकारी फॉर्म में निर्माणाधीन केवी का औचक निरीक्षण किया, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और अधिकारी आनन फानन में निर्माणाधीन स्कूल पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कार्यदायी संस्था को जनवरी 2024 तक केंद्रीय विद्यालय का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और मानकों के अनुरूप हो। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों में गुणवत्ता से बिल्कुल समझौता नहीं करेगी। खटीमा वासियों के लिए काफी खुशी की बात है कि केंद्रीय विद्यालय बनने से खटीमा शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में अग्रणी स्थान में जगह बनाएगा। ये बहुत बचपन से मेरे मन में था कि खटीमा में सेंटर स्कूल होना चाहिए, और उसके लिए लगातार 2012 में जब मैं यहाँ से विधायक के रूप में चुना गया था, तब से लगातार मैं प्रयास करता रहा। अंततः सफलता तब मिली जब देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी वन पहली सरकार के समय में यहाँ पर सेंट्रल स्कूल स्वीकृत हुआ, और ये ज़मीन पहले अलॉट हो गई थी। इसके ऊपर बिजली का तार जाता था, बिजली की बड़ी लाइन जाती थी, उस लाइन को भी शिफ्ट किया गया है। अब निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। वैसे सेंटर स्कूल यहाँ पर बंडिया में पुराना बालिका इंटर कॉलेज जो था उस पर संचालित हो रहा है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर इस भवन के बन जाने से शहर के बीच में और लोगों को और हमारे पढ़ने वाले छात्रों को, छात्राओं को, हमारे बच्चों को और उनके अभिभावकों को, सभी को एक बड़ा शिक्षा का संस्थान खटीमा में मिलेगा। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका निर्माण कार्य पूरा हो। हमने कहा है कि जनवरी 2024 तक इसका लोकार्पण होना है। विद्यालय बनना है, इसका एस्टिमेट कॉस्ट 22.68 करोड़ है और इसका टेंडर हुआ 15.68 अप्रॉक्सीमेट आसपास करोड़। और इसमें आपका स्कूल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स है। स्कूल बिल्डिंग का कवर्ड एरिया 5020 स्क्वायर मीटर है और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उसके एरिया है 800 स्क्वायर मीटर। तो हम जनवरी 2024 तक पूरे करेंगे अप्रॉक्सीमेटली। संस्था सिक्योरिटी है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग बाई टेंडर प्रोसेस में दिल्ली के एजेंसी को कंपटीशन द्वारा टेंडर। दरअसल लगभग 22 करोड़ की लागत से केंद्रीय विद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने प्रस्तावित खटीमा और चंपावत जनपद के दौरे पर खटीमा पहुंचे थे। इस दौरान खटीमा के सरकारी फॉर्म में निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय का सीएम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। गौरतलब है कि खटीमा के विधायक रहते हुए पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विद्यालय सरकारी फॉर्म में पास करवाया था। ऐसे में ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी लगातार समीक्षा मुख्यमंत्री धामी खुद कर रहे हैं और कार्यदायी संस्था और विभागीय जेई से निर्माणाधीन केंद्रीय विद्यालय के भवन के ब्लूप्रिंट के द्वारा जानकारी ली। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।